तो अभी देख रहे हैं हम शिंदी के अंदर किस तरह से स्ट्रांग असाइनमेंट शेप में जाके यहाँ से क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, और जैसे हमने इसको पिक्चर यहाँ पे लगाई तो जो भी हमारे कंप्यूटर में पिक्चर होगी फ्रॉम अ फाइल करके यहाँ से मिल जाएगी, फोल्डर में चले जाते और जिस तरह का पिक्चर भी हम लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर उसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पर, और वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ओके करेंगे, देखना क्या बनाया, चेक करते हैं, ओके करेंगे। अब ये थोड़ा सा इसका कंपैटिबिलिटी मोड है, ओल्ड स्टाइल में खुला हुआ है, अगर हम इसको नए स्टाइल में खोलें तो फिर ये सही तरह दिखाएगा कैसे काम करना है। यहाँ से मैं न्यू कर रहा हूँ और यहाँ से ये ऑप्शन लेके इसको कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। इंसर्ट में जा रहे हैं हम, यहाँ से क्लिक कर रहे हैं शेप्स के ऊपर और यहाँ से ले जाके क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, लेटेस्ट में जाके यहाँ से कोई फोटो ले लेते हैं, जैसे कि ये फोटो ले लेते हैं। अब इस पर टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स बड़ा कर देंगे, क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से हम इसका डायरेक्शन राइट करेंगे, अलाइनमेंट भी राइट करेंगे। अब सिंधी में क्या लिखना है इसके ऊपर, जैसे लिखा हुआ है तवा तेस्ताई न था जाने, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं सिंधी फॉन्ट के लिए अलाइनमेंट राइट कर रखी है तो जम्बो एम बी लतीफ़ी फॉन्ट लेंगे, चलो ठीक है सिंधी कर लेते हैं, तो वहाँ पे इस टाइम वहाँ पे इस टाइम ना था जाने ना था किससे आएगा ये, हाँ यू से कौन पहुंचे, नथा जाने जाने से आएगा, तो वहां तेज तक नथा जाने सगो था तो तवां केतरा मजबूत आयो, सगो था तवां केतरा मजबूत आयो, जुआत किससे आएगा, सी से जुआत, सी में जोए, हाँ मजबूत, जेस ताई तवां वट त
हाँ वट मजबूती दिखारण लाए देखारण देखारण वाला दे किससे ये दे के वहीं दो ये दे दे ट्रेन उत्ते आ रो दे अच्छे पे हो ना ये कड़े उत्ते आ रो अच्छे पे हो ना देखारण लाए हाँ सिवा दिखारण हाँ एल दिखारण हाँ सिवा अब हम जाइए या चाहिए ट्रेस आएंगे शिफ्ट 3 से सिफारिश खा सिवाय को बिओ रस्तो ही ना बचे को बिओ डी शिफ्ट बी रस्तो रस्तो अब रस्तो ई ई की लिखना थी हाँ इनमें की लिखना थी बटन बताया ना बटन हाँ रस्तो ई ये भी लिखी सकूं था ई करना है रस्तो ई ना बच्चे बे छे सीमा कौन पे बच्चे एक्स माई दो बच्चे बच्ची ना बच्चे बच्चे ना बच्चे ठीक है। अब ये हमने इस तरह से फोटो लगाया और उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिख दिया। फोटो को थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर हम एक साइड पे करना चाहें तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और राइट तो हुआ है, थोड़ा और फॉन्ट साइज बढ़ा दें इसका 48 पे कर दें ताकि टेक्स्ट और अच्छा हो जाए। अब आप इसमें एक बात नोट करें, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। टेक्स्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा? तो ये वाइट है, पीछे तस्वीर भी वाइट है। अब इसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हम इसकी आउटलाइन टेक्स्ट की ये भी वाइट कर देते हैं तब भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आउटलाइन इसकी काली करते हैं ठीक है, और काली करने के बाद इसकी थोड़ा सा वेट यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोनों को वाइट करते हैं, ब्लैक पे भी नजर नहीं आएगा, उस पे भी नहीं आएगा नजर। अब ऐसी सिचुएशन में हमें ना पिक्चर को पीछे थोड़ा सा अंधेरा करना पड़ता है पिक्चर पे। तो पिक्चर पे अंधेरा कैसे करें ये एक अलग सवाल है कि अगर हम इसको शेड नहीं दे सकते, ग्लो नहीं, सॉफ्ट एजेस भी नहीं कर सकते, इससे किसी से भी इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सूरत में हमें करना ये होता है कि एक इंसर्ट में जाके एक शेप लेना पड़ता है और उस शेप को लेके हमें इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है एक मिनट जरा, और इस शेप को आपको उठा के यहाँ से टेक्स्ट के पीछे भेजना होगा। टेक्स्ट के पीछे भेजने का तरीका ये है कि पहले आप इस शेप को काला कर दें। यहां से बढ़ा दें इसकी ट्रांसपेरेंसी को ठीक है। ऐसे करने के बाद 50% भी कर लें अगर आप, और इसको टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो इसको बंद करके यहां से होम में जाके सिलेक्शन पैन खोल लें।
और उसमें देखें ये वाला बॉक्स अगर टैक्स के पीछे भेजना है, ये आगे आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको पीछे कर, ठीक है, पीछे चला गया टैक्स के, टैक्स सामने आ गया, ये देख, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो यही शेप ही है, इसका आउटलाइन यहाँ से खत्म कर दें, ठीक है, सही, आउटलाइन खत्म हो जाएगी। फिर इसके एजेस पिक्चर के साथ मिला दें, जिससे ये जाहिर नहीं होगा कि ये पिक्चर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, सेलेक्ट करके इसको हम सेंटर कर देते हैं। और अब आप देखें कि आपका टेक्स्ट सही दिखाई दे रहा है आपको, आउटलाइन भले खत्म कर दें इसको, पढ़ते में आ रहा है, सही लग रहा है। ऐसे करके आप इस तरह का काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे असाइनमेंट आपकी सिंधी लैंग्वेज को बेहतर करने में काम में आएंगे, टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, और जैसे माशाल्लाह जिशान की अच्छी है टाइपिंग, बता रहा है अल्फाज समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है कि जैसे टाइपिंग जब हमारी अच्छी हो जाती है, तो दूसरा स्टेप होता है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट हमें इसमें बना लेने चाहिए, हमें इसमें दरख्वास्त बनानी आनी चाहिए, हमें इसमें क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, नोट्स बनाने आने चाहिए, हमें इसमें एग्रीमेंट लिखते हैं ना, एग्रीमेंट जगहों की जो सेल एंड प्रॉफिट, वो बनाना आना चाहिए। इसी तरीके से हम फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं इसके अंदर, समझ में आई मेरी बात।